वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बाइबल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप जहाँ होंगे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आप आ जाए हैं वापस ऑन डिवाइन बाइबल टैरो विद मी सुष्मिता टू गेट योर ईयरली रीडिंग 2022। तो कैंसर, कैंसर के लिए रीडिंग है ये। तो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स कहते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव रीडिंग होने वाली है कैंसर। एंड इस पॉइंट पर आप चाहें तो करिए का वीडियो को पॉज और फोकस करिए उन चीज़ों पे जो आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिन पर आप गाइडेंस चाहते हैं। ओके, व्हाट वी हैव फॉर यू, फर्स्ट कार्ड इज एट ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड इज सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स। एंक्शियस हो किसी बात को लेके, मन में है डर, निकलना चाहते हो उस डर से आगे, चाहते हो एक प्रैक्टिकल शांत सुखी परिवार। ओके, दैट इज इन शॉर्ट। तो डर किस बात से रिप्रेजेंट होता है, वो यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स। आपको लगता है ये जो चीज़ें हैं आपकी रीच के बाहर की हैं, ये आप नहीं कर सकते हो, ये आपको नहीं मिलेंगी, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, ये काम करने के लिए आप में इनफ स्किल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपको डिमोटिवेट किया हो कभी कैंसर, या किसी के ओपिनियन से आप हर्ट हैं, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे ये एट ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन है। और आप पूरी एफर्ट कर रहे हो इससे बाहर निकलने की, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये बेस्ट चीज़ है, आप खुद ही में एक गाइड हैं, क्योंकि आप जानते हो ये जो एनर्जी है दिस इज़ नॉट द राइट एनर्जी, और आप इससे बाहर निकलना चाहते हो। आप इन टर्म्स ऑफ करियर चाहते हो अपना फुल पोटेंशियल आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस में आप अबंडेंस चाहते हैं, फैमिली लाइफ आप बहुत स्टेबल चाहते हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो आप फैमिली बसाना चाहते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कि ये जो भी चैलेंजेस रहे होंगे ना इन टर्म्स ऑफ आपके ऑफिस, तो उन चैलेंजेस एंग्शियसनेस जो है ख़त्म हो जाएगी। ये जॉब के लॉस का खतरा हो सकता है, नई जॉब ना मिलने का खतरा, खतरा मतलब ये डिलेमा है, ये मेंटल स्ट्रेस है। एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है नेगेटिव, लेकिन आप सोच सोच के परेशान हैं। तो ये एक मेंटल यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं जिससे आप हो परेशान। हाँ, और करियर के टर्म्स में मैंने आपको बताया इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ एंड फ्यू जो फॉरेन में एजुकेशन है उसमें ऐसा दिखता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं बाहर देश में, फॉरेन में एजुकेशन वो काफ़ी पॉसिबिलिटी है उसकी। एंड आई सी प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन आपको मिलेगा, गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे कैंसर। एंड लेट्स सी कि आपका लव एंड रिलेशनशिप्स विद लव रोमांस एंजल्स, देखते हैं इनके पास आपके लिए क्या मैसेज है फॉर कैंसर 2022। वर्थ वेटिंग फॉर, अनरिक्वेटेड लव एंड न्यू लव। तो यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर मैसेज है, हो सकता है आपको किसी की तरफ खिंचाव महसूस होता हो और आपको हो डाउट कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं। आपको नहीं पता था कि ये जैसे आपके मन में फीलिंग्स हैं वैसे ही इनके मन में फीलिंग्स हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप वेट कर रहे थे, आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे। कैंसर काफ़ी इमोशनल साइन है, तो आप जिससे एक बार इमोशनली अटैच हो गए तो उससे आगे मूव ऑन करना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कैंसर, यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और आप हर्ट भी बहुत एक्सट्रीम लिमिट तक हो जाते हैं। जितने केयरिंग आप हैं उतने आप हर्ट भी हो जाते हैं। इनफैक्ट मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट केयरिंग लविंग साइंस हैं कैंसर। और ये जो पार्टनर हैं इनके साथ आपकी इक्वेशन नहीं है, आपकी गट फीलिंग ठीक है, इंट्यूशन भी आप लोगों की स्ट्रांग होती है कैंसर, तो आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता बता रही है कि दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन। बट 2022 में विद द कार्ड सेइंग न्यू लव, आई सी कोई नया इंसान है जो आपकी लाइफ में आ सकता है। जो लोग अभी इस एज ग्रुप में हैं और अपने नया पार्टनर तलाश रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैं देखती हूँ कि उनकी पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग होगी, घर के फाइनेंसेस, घर के कामकाज स्मूथली चलेंगे एज यूजुअल। तो लेट्स सी कि ओरेकल आपके लिए क्या कहते हैं। कैंसर 2022, ओरेकल क्या कहते हैं।
And we have for you biting through. Biting through है आपका कार्ड. इसमें लिखा है take decisive action, restore order, force, applied with sensitivity, justice, tenacious devotion to a task. यानी कि ये जो भी डिफिकल्टी है, ये जो एट ऑफ सोर्ड्स है जो आपको मेंटल टेंशन दे रहा था, उससे आप आगे निकल जाओगे फॉर श्योर. ठीक है, आपके डिसीजंस कुछ ऐसे होंगे, आप ऐसे कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे जो आपको हेल्प करेगा टू मूव ऑन फ्रॉम दिस डिसीजन. कि मेंटली इतना जो ये जो ट्रॉमा, ये जो टॉर्चर चल रहा था आपका इतने टाइम से, अब वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही बैलेंस डिसीजन लेने वाले हैं. ये सिर्फ बहुत स्टर्न प्रैक्टिकल डिसीजन भी नहीं होगा, ये एक वेल बैलेंस्ड इमोशन के साथ वाला डिसीजन होगा. लेट्स टेक आपके लिए फाइनल कार्ड की साल 2022 के लिए कैंसर के लिए क्या मैसेज है. एंड वी हैव थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर. थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई परसेप्शन सो दैट आई कैन सी वॉट इज the highest good. ये जो आपके मन में डर है, कार्ड एकदम साफ कहता है आप थैंक करोगे यूनिवर्स को बाद में, आपकी सराउंडिंग्स को, भगवान को, कि ये जो फियर है आपके मन में डाला, बिकॉज इस फियर की वजह से ही आप इन सारी चीज़ों को तोड़ के, इन लिमिटेशंस को तोड़ के आगे बढ़ रहे हो विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स. अगली बार कोई इस टाइप का चैलेंज आपके सामने आया तो आपको बहुत अच्छे से पता है ऐसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है. इनफैक्ट आप दूसरे लोगों को भी गाइड कर दो कि देखो इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, मेरी तरह ऐसी गलती मत करना. आप एक बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं. ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. दिस इज इट फ्रॉम मी फॉर द ईयर 2022. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. एंड आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसे लगी. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके जाइएगा विद द बेल आइकन. ओके, बाय.